उन्नाव कानपुर मार्ग पर स्थित गंगा बैराज में हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और ईको कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईको कार के परखच्चे उड़ गए। गंगाघाट थाना पुलिस ने बताया कि मरने वालों में सभी कार सवार थे। आधी रात को ही इस घटना में घायलों को उपचार के लिए कानपुर हेलीट ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने 3 को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद गंगा बैराज का यातायात बाधित हो गया है, लोग सड़क छोड़कर किनारे से निकलते दिखाई पड़े। बीती रात लगभग 1:30-2 बजे के बीच में थाना गंगाघाट क्षेत्र अंतर्गत सरैया क्रॉसिंग से लगभग 2 किलोमीटर आगे ट्रांस गंगा बैराज की तरफ एक कार और एक ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार में सवार प्रशांत, सुमित, विशाल, आलोक सभी लोग गंगपुर चकवाड़ा थाना बिठूर के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा हेलीट भेजा गया, जहां पे प्रशांत द्विवेदी, सुमित गौड़, विशाल गौड़ की को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आलोक की इलाज चल रही है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। आगे जांच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जा रही है। कार चालक कहाँ से कहाँ जा रहा है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग तत्काल इनको लेकर के अस्पताल भेजे हैं। परिजन आ गए हैं, आगे तथ्य सामने आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा।